हेलो स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो था हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हम सुक्रोज और फ्रक्टोज के बारे में अलग अलग से पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज और सुक्रोज के फ्रक्टोज के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे आपके इसके अंदर डाइसैकेराइड्स के बारे में। तो डाइसैकेराइड्स के बारे में डिटेल पढ़ने से पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। ऑल पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उनके पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का मतलब होता है बहुलक, जैसे एक चेन से दूसरी चेन, दूसरी चेन से तीसरी चेन जुड़ती जाती है, उसे हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस मैनी मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम पेंटोस और फाइव कार्बन शुगर्स और द हेक्सोस और सिक्स कार्बन शुगर्स। पेंटोस से ही बन सकते हैं और हेक्सोस से ही बन सकते हैं। दोज फ्रॉम पेंटोस और कॉल्ड पेंटोजेंस, दोज फ्रॉम हेक्सोस आर हेक्सोसेंस और समटाइम्स कॉल्ड द ग्लूकोसेंस। दी हेक्सोसेंस आर मोस्ट कॉमन इन टर्म ऑफ साइक्लोजी। दी हेक्सोसेंस हैव द जनरल फार्मूला C6H10O5 वेयर एक्स इज द लार्ज नंबर, जहाँ पे एक्स जो होगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अटैच्ड हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन हेक्सोसेंस आर स्टार्च, सेलुलोज एंड डेक्सट्रिन। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हमारा डाइसैकेराइड्स क्या है। ठीक है, डाइसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। डाइसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंट टुगेदर एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। जब दो मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो उसे हम बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल, मिल्क शुगर जैसे लैक्टोज इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज वे इज अ शुगर फ्रॉम शुगर कैन एंड शुगर बीट्स सुक्रोज इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दी टू मोनोसैकेराइड्स आर बॉन्डेड बाय ए डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, दैट लीड्स टू द लूज ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ये आपस में जुड़ी रहती हैं। दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डाइसैकेराइड्स, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, विच वन मोनोसैकेराइड्स, द रिड्यूसिंग शुगर स्टिल हैज़ ए फ्री हेमिसैसिटिल यूनिट एंड द सेकेंड नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स इन विच नाइदर मोनोसैकेराइड्स हैज़ ए फ्री हेमिसैसिटिल यूनिट्स। माल्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स और सुक्रोज इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। दो हुई आपकी रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। तो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स होती है उसमें हेमिसैसिटिल यूनिट जो होती है वो फ्री अवस्था में होती है, जबकि जो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स होती है उसमें हेमिसैसिटिल फ्री अवस्था में नहीं होती है। तो जो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स है उसका एग्जाम्पल क्या है, आपका सुक्रोज, और आपका जो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स है उसका एग्जाम्पल है आपका माल्टोज। इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स होते हैं माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। द डाइसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट्स जॉइंट कोवेलेंटली बाय एन ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि देखिए, ये अल्फा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया H2O, और ये ऑक्सीजन से आपका कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसा कि आपको बिल्कुल जो है इस फिगर से जो है आपको बिल्कुल क्लियर दे रखा है, बिल्कुल क्लियर कन्वर्ट है कि आपने यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का लॉस किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में ऑक्सीजन से वो कनेक्ट होंगे, इसे अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर सुक्रोज। सुक्रोज को हम बोलते हैं सेक्रोज और टेबल शुगर, इसे टेबल शुगर ही बोला जाता है। ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक हमें डी ग्लूकोज मिलता है और एक हमें डी फ्रक्टोज मिलता है। तो आप इसके अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर भी ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, अल्फा डी ग्लूकोपायोनाजल और बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरिनस सुक्रोज 1-10। सुक्रोज कंटेन्स नो फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम, देयरफॉर इट इज़ विदाउट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें कोई भी एक फ्री आपका एनोमेरिक कार्बन एटम नहीं होता है, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। इनवर्ट सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटरी बिकॉज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डेक्स्ट्रोरोटरी, दोनों डेक्स्ट्रोरोटरी हैं इसलिए ये भी डेक्स्ट्रोरोटरी होता है। जब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये लीवोरोटरी हो जाता है। इस फ्रक्टोज इज रिलीज इन द पायोनाइज फॉर्म, क्योंकि जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं जो फ्रक्टोज होता है वो हमें किस में मिलता है, पायोनाइज फॉर्म में मिलता है, जो कि जो होता है वो आपका लीवोरोटरी होता है। लीवोरोटरी एक्टिविटीज ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज।
बिकॉज रोटेशन इज रिवर्स्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन एंड द प्रोडक्ट आर कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। आपने देखा कि आपने डेक्सट्रोडेट्री लिया था, लेकिन जब आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो हाइड्रोलिसिस के बाद में आपको क्या मिला, लिवोरेटेटेड प्रोडक्ट मिला। तो ये जो प्रोसेस होता है रोटेशन का, इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन, और ये जो प्रोडक्ट मिलते हैं इसे हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। इन्वर्जन कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय द हाइड्रोलिसिस विद डायल्यूट एसिड्स और विद स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेज और शुगरेस। हनी इज रिच इन इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन शुक्रोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री फ्रक्टोज। जो इन्वर्ट शुगर होती है वो शुक्रोज से कहीं ज़्यादा स्वीट होती है, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज होता है वो फ्रीली प्रेजेंस होता है। जेम्स एंड जेलीज आल्सो कंटेन इन्वर्ट शुगर्स। सोर्स ऑफ शुक्रोज इज शुगर बीट्स एंड शुगर कैंस। कैरामेल इज सॉलिड रेड रेजिड्यू प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग शुक्रोज और यूज्ड फार्मास्यूटिकली टू मेक सिरप्स। और जैसे भी जितने भी आपके सिरप्स बनाए जाते हैं मेडिसिन में, आप देख रहे हैं एक बार खांसी का या कोई भी और सिरप होता है, तो सब में आपका शुक्रोज ऐड किया जाता है, तभी उसका टेस्ट क्या होता है, हमें स्वीट लगता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माल्टोज। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज। इसके अंदर भी आपका अल्फा ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है अल्फा डी ग्लूकोज और के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में होता है। इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको दे रखी है, बिल्कुल क्लियर है, एक बार आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनोमेरिक कार्बन इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर। इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है। माल्ट शुगर प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिंग सीड्स फॉर्म्ड इन वाइवो बाय द एक्शन ऑफ द स्लाइवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च एंड इन विट्रो बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय एसिड्स यूज जस्ट फर्मेंटेटिव रिएजेंट। आइसोमाल्टोस, ये माल्टोस था आइसोमाल्टोस। आइसोमाल्टोस इज ऑल्सो डाइसेक्रेट्स सिमिलर टू माल्टोस बट विद ए 1,6 लिंकेज इंस्टीट ऑफ 1,4 लिंकेज। इसके अंदर आपने कौन सी लिंकेज देखी, 1,4 लिंकेज देखी, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे आइसोमाल्टोस में वो होती है 1,6 लिंकेज। ये रिड्यूसिंग शुगर है और द लिंकेज बिटवीन द शुगर इज 1 to 6। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज कंटेन्स ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैलेक्टोज विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसके अंदर भी आपका ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें आपकी लिंकेज 1 to 4 ही होती है, और इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। देखिए इसके अंदर भी आपकी 1 to 4 लिंकेज थी, उसके माल्टोज में भी आपकी 1 to 4 लिंकेज थी, और वहाँ भी आपकी 1 to 4 लिंकेज थी, लेकिन यदि हम आइसोमाल्टोज की बात करते तो 1 to 6 लिंकेज होती है। मिल्क शुगर काउस कंटेन्स 5% लैक्टोज, ह्यूमन मिल्क कंटेन्स 7%। कंटेन्स फ्री एनोमेरिक कार्बन सो इट्स रिड्यूसिंग शुगर। इसके अंदर आपका एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है, इसलिए ये जो होती है वो आपकी रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि लैक्टोज में एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो ये रिड्यूसिंग है, ठीक है। माल्टोज में भी आपका एनोमेरिक कार्बन फ्री था तो रिड्यूसिंग थी, लेकिन जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था उसके अंदर आपका एनोमेरिक कार्बन नहीं था फ्री, तो वो आपकी नॉन रिड्यूसिंग थी। लैक्टेज इज म्यूकोसाइल सेल्स हाइड्रोलाइज लैक्टोज टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड्स। लैक्टुलोज गैलेक्टोज B1,4 फ्रक्टोज इज सेमी सिंथेटिक डाइसेकेराइड्स, जो कि आपको इजीली नेचुरली ऑकरिंग नहीं होती है, नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द डाइजेस्ट, यूज एज ए लैक्सेटिव टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ये जो आपका कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें एज ए लैक्सेटिव जो होता है इसे हम इसे यूज़ करते हैं। तो आज आपने देखा कि आपने डाइसेकेराइड्स के टाइप पढ़े, शुक्रोज था आपका, लैक्टोज था और आपका माल्टोज था। तो शुक्रोज आपका जो था वो रिड्यूसिंग शुगर था, ओके। लैक्टोज जो था वो आप शुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर था, लैक्टोज आपका रिड्यूसिंग है, और आपका जो माल्टोज था वो आपका रिड्यूसिंग शुगर था। तीनों में आपने देखा कि 1,4 ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपकी प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये सब आपकी फॉर्म थी डाइसेकेराइड्स के बारे में।
मोनोसेक्रेट्स हम लास्ट वाले यूनिट में पढ़ चुके हैं सुक्रोज और फ्रक्टोज के बारे में, डाइसेक्रेट्स आज आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया है। अब डाइसेक्रेट्स के बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसका, वो होता है हमारा इसके अंदर पॉलीसेक्रेट्स। तो पॉलीसेक्रेट्स जो मैंने बताया था कि बहुत सारी यूनिट्स होती हैं मोनोसेक्रेट्स की, उनसे मिल के आपका पॉलीसेक्रेट्स बनता है। बनता तो मोनोसेक्रेट से है बट डिफरेंट बहुत सारी यूनिट्स से मिलके बनता है। जैसे स्टार्च था, स्टार्च का आपको क्या बताया था मैंने, C6H10O5 तो उसका बेसिक आपका वो हो गया। अब उसके कितने मॉलिक्यूल्स, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो वो सब जो आएंगे आपके वो आएंगे, स्टार्च है, सेलुलोज है, सेलुलोज जो कि आपका फाइबर है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि फाइबर जो होता है वो सेलुलोज में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है आपके पॉलीसेक्रेट्स, ये आपके दो कोर्स में दे रखे हैं, एक तो स्टार्च है और एक सेलुलोज है। इसके बाद में आपकी ये वाली जो यूनिट्स होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर होगा उसके अंदर टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।